दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम यामा की MT-15 B3 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में वैसे तो यामा की MT-15 वर्जन 2.0 काफी ज्यादा कॉस्टली बाइक है, लाइक बहुत ज्यादा प्राइस बाइक के हैं। 150 सीसी के अंदर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लाइक इस बाइक के ही प्राइस है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों बात करें बाइक की परफॉर्मेंस और लुक और डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एविटेड और पॉपुलर और डिमांडिंग बाइक यही रही है, बिकॉज बाइक की जो डिजाइन है ना वो यंगस्टर को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और इसी वजह से इस बाइक की काफी ज्यादा सेल इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होती है। लेकिन दोस्तों बात करें बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में, तो बात करें यामा की MT-15 वर्जन 2.0 के फीचर के बारे में, तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बाइक के अंदर हमें सारे फीचर इंस्टॉल देखने को मिलेंगे, लेकिन यामा ने इस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है मिस कर दिए हैं, जिसकी वजह से बाइक की काफ़ी सारी सेल जो है लाइक नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूँ बाइक के अंदर आपको जो कमी देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइक के अंदर हमें सीट जो है थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिल सकती है, बिकॉज यामा की सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट वाली चीज़ है वो यामा की सीट है। पिलियन सीट अनकम्फर्टेबल बहुत ही ज़्यादा इस बाइक की है, जिसकी वजह से बाइक बायर्स इस बाइक को परचेस नहीं करते हैं। और सेकेंड चेंज, बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये बाइक 2 लाख के आसपास आपको ऑन रोड देखने को मिलती है, फिर भी इस बाइक के अंदर हमें डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों डुअल चैनल ABS के साथ साथ और भी कई सारे फीचर ऐसे हैं जो इस बाइक के अंदर मिस किए गए हैं। हालांकि इस बाइक के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सारे फीचर यामा को प्रोवाइड कराने चाहिए थे यामा लवर के लिए, बिकॉज बाइक के अंदर हमें लाइक क्विक शिफ्टर भी देखने को नहीं मिलता है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं बाइक के अंदर हमें हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं LED इंडिकेटर की जगह, एंड साथ ही बाइक के अंदर हमें पिलियन सीट तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सी देखने को मिलती है, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यामा की इस बार डुअल चैनल ABS तो डेफिनेटली आएगा वर्जन 2.0 के अंदर, वहीं थोड़ी सी पिलियन सीट भी लाइक थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यामा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यामा MT-15 B3 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर, जो कि वर्जन 2.0 के नाम से इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर 2023 के अंदर यामा लॉन्च कर सकता है, उसके अंदर ये सारे फीचर आपको ऑफर करेगा। जैसे कि बाइक के अंदर हमें TFT कलर डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को नहीं मिलता है, हालांकि कुछ कनेक्टेड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो ज़्यादा यूजफुल फीचर हैं इस बाइक के अंदर। ओके एंड दोस्तों बाकी बात करें यामा की MT-15 वर्जन 3.0 के कुछ फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों बेसिकली सारे फीचर बाइक के अंदर वर्जन 2.0 के साथ देखने को मिलेंगे। बाकी जो फीचर आपको मेन बाइक के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, सबसे पहला चेंजेस बाइक के अंदर आपको 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यामा ने रिसेंटली 125 सीसी के साथ MT-15 को लॉन्च किया है उसके अंदर देखने को मिलता है। वही आपको V3 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलेगा, एंड साथ ही बाइक के अंदर ऑल कनेक्टेड फीचर बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। बाकी बाइक के अंदर आपको न्यूली डिज़ाइन बॉडी ग्राफिक्स एंड डुअल चैनल ABS का ऑप्शन तो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से MT-15 वर्जन 2.0 की काफ़ी सारी सेल जो है कम हुई हैं लाइक डुअल चैनल ABS की वजह से। बाइक के अंदर हमें LED इंडिकेटर ऑफर करेगा, साथ ही बाइक के अंदर हमें MT-15 B3 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर पिलियन सीट में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। यामा की इस चेसी को थोड़ा सा इंक्रीज करके यामा इसकी पिलियन सीट को इंक्रीज कर सकती है। ओके लाइक बाइक के अंदर आपको फुल्ली फीचर लोडेड ये बाइक आपको देखने को मिलेगी, ओवरऑल बाइक के अंदर सारे फीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन बाइक के प्राइस थोड़े से और मेरे को ऐसा लगता है कि बाइक के इंक्रीज कर देगा यामा, बिकॉज इस बार आपको जो MT-15 B3 या फिर वर्जन 3.0 के अंदर जो फीचर देखने को मिलेंगे उसमें आपको कोई भी फीचर में कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि बजाज की N160 के अंदर हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर भी यामा ABS का ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा डुअल चैनल का। ओके बाकी बेसिकली सारे फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यामा की MT-15 वर्जन 3.0 का कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यामा लवर MT-15 वर्जन 3.0 के अंदर यामा से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अगर आप यामा की MT-15 V3 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज MT-15 V3 को यामा 2023 के अंदर मिड में लॉन्च कर सकता है किसी भी डेट के अंदर। ओके बाकी दोस्तों ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग बाइक रही है, लाइक बाइक के अंदर आपको सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीचर प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहीं बाइक के अंदर आपको 6 गियर स्पीडबॉक्स ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही बाइक के अंदर आपको इंजन में काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। 6 गियर स्पीडबॉक्स की वजह से बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्मूथनेस फील होती है, वहीं बाइक के अंदर आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिल जाते हैं, कलर्ड एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं,
साथ ही बाइक के अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर जैसे काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन यामा की तरफ से बाइक के अंदर कुछ फीचर मिस किए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इसी वजह से यामा MT15 वर्जन 3.0 के अंदर सारे फीचर जो है लाइक प्रोवाइड कराएगा। तो ये बाइक फुल्ली फीचर लोडेड मशीन हो जाएगी जिसके प्राइस आपको थोड़े से इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।